Bollywood Big Story, Bollywood के hottest issues, B-Town's burning controversies और ऐसे मुद्दे जो बन जाते हैं the talk of the town. Industry का hottest debate लेकर आ गया है Bollywood Big Story और आज Bollywood Big Story में हम investigate करेंगे आखिर कौन है Indian film industry का बादशाह. I'm number one, darling. Period. Don't say wait and all. तो सबसे front पर हैं आमिर. कोई भी number one बॉक्स ऑफिस स्टार है तो वो सलमान है. शाहरुख इज डेफिनेटली द बादशाह. शाहरुख इज अ फिनोमेनन. यू कॉल मी सुपरस्टार, बादशाह, किंग खान. ही इज द रोमांटिक हीरो ऑफ द डेकेड. नंबर वन में बादशाह इज बादशाह, जिसका नाम शाहरुख खान है. मैं सबके साथ कम्पीट कर चुका हूँ. मेरे हिसाब से सलमान मेरे पीछे नहीं, सलमान मेरे आगे हैं. देखिए, आप कुछ भी करा लीजिए, मेरे साथ किसी का कॉम्पिटिशन हो नहीं सकता. मुझे इस वक्त आप नंबर 50 भी देते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. शाहरुख की फिल्म रावण उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि यही वो फिल्म है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिसाइड करेगा कि शाहरुख की बॉलीवुड में बादशाहत कायम रहेगी या फिर नहीं. I'm number one, darling. Period. Don't say wait and all. Don't give me categories. I can't use any other brand because there is no one bigger than me. Is that G? Yeah. Or Gauri? Yeah. And one for my position in the film industry. It's a good strategy. You take the biggest brand in the country, that is Shah Rukh Khan, and then use that platform to publicize yourself. देखिए, आप कुछ भी करा लीजिए, मेरे साथ किसी का कंपटीशन हो नहीं सकता. कौन है बॉलीवुड का असली बादशाह? इस सवाल का जवाब जैसे कि आपने अभी अभी सुना, शाहरुख खान काफी बार खुद ही दे चुके हैं. लेकिन जैसे जैसे शाहरुख की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म रावण की रिलीज का वक्त करीब आता जा रहा है, शाहरुख ने खुद ही असली बादशाह के फेम से अपना क्लेम वापस लेना शुरू कर दिया है. But the whole plug is like that. I'm claiming to be number one and stuff. And after 20 years of working so hard and so diligently, and I think as much of a humility as I've done, to be sometimes reading it, can you just take it like that? Whatever I do in my talk and joking wise, I may sound pompous and joke with you guys that I'm the best, etc., number one. But it's only to have fun and make you smile. क्योंकि बॉलीवुड में नंबर वन की रैंकिंग देने का कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है, इसलिए कोई भी कभी भी किसी को भी नंबर वन बना देता है. फिर भी पिछले काफी वक्त से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह का ताज शाहरुख, सलमान और आमिर के सिर पर ही सजता उतरता रहता है. आज के बॉलीवुड बिग स्टोरी इस सवाल को और भी बड़ा करके इसलिए देख रहा है क्योंकि इस साल की बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख की और उससे भी बड़ी अब तक की सबसे महंगी फिल्म रावण इस दिवाली पर रिलीज के लिए तैयार है. रावण को बॉलीवुड इसलिए भी सबसे ज्यादा अटेंशन दे रहा है क्योंकि रावण बॉलीवुड की पहली ऐसी VFX फिल्म है जो अगर हिट हो जाती है तो लोगों का फिल्म देखने का नजरिया भी बदल सकती है. आई एम एबल टू क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म वेयर अदर फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, स्टोरी टेलर्स यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी टू टेल इवन बिगर, बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल स्टोरीज. लेकिन इसका जवाब तो तब मिलेगा जब शाहरुख इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाएंगे. और आज का सवाल ये है कि कौन है बॉलीवुड का असली बादशाह, क्योंकि स्टारडम के स्केल पर सलमान शाहरुख से आगे निकलते नजर आ रहे हैं. तो इनोवेटिव फिल्म प्रमोशन और सबसे ज्यादा फिल्म बिजनेस की रिकॉर्ड आमिर खान के नाम पर दर्ज है. छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक सलमान की धूम है, तो बॉलीवुड का सबसे पावरफुल स्टार आमिर खान को माना जाता है. नई जनरेशन के रणबीर और इमरान भी दिन पर दिन अपने दायरे को बढ़ाकर नंबर वन बनने की फिराक में लगे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कौन है बॉलीवुड का किंग. रावण की रिलीज के बाद बॉलीवुड के असली बादशाह का नया रिजल्ट सामने आएगा, जो हो सकता है कि एक लंबे वक्त के लिए इस सवाल को दोबारा उठाने से रोक भी दे. रावण ही डिसाइड करेगी कि शाहरुख की बॉलीवुड में बादशाहत कायम रहेगी या फिर नहीं, क्योंकि अब बॉलीवुड में एक और खान भी है जो बादशाह बनने के काफी करीब पहुंच गए हैं. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मानते हैं कि शाहरुख खान ही हैं बॉलीवुड के बादशाह. शाहरुख इज डेफिनेटली द बादशाह, I would say, because he has a tremendous, tremendous fan following, not only in India, but overseas.
ओवरसीज शाहरुख इज अनबीटेबल. बॉक्स ऑफिस के ऊपर रूल वही करता है जो ज़्यादा कलेक्शन लेके आता है. शाहरुख खान की पिक्चरों ने जो आज तक बिजनेस किया है उसकी वजह से उसको लोग बादशाह कहते हैं. शाहरुख एवर सिंस ही वाज लॉन्च्ड एज अ रोमांटिक हीरो इन दिलवाले दुल्हनिया ही हैज रियली नेवर लुक्ड बैक. And he has played the romantic hero just like Mr. Bachchan played the angry young man to the hilt. Till today, he is the romantic hero of the decade. Shah Rukh is a phenomenon. He if you look at cinematic history, seldom there has been a hero who has been right up there in and been loved by the people and bringing in box office revenue and telling very, very entertaining stories. Shah Rukh is the answer, I think, to Tom Cruise. I think he's bigger than Tom Cruise. I mean, he's the Badshah of Bollywood. Lekin Bollywood ke number one Khan, Shah Rukh Khan ke liye ye waqt aar ya paar ka hai. क्योंकि जहां एक तरफ शाहरुख की ये फिल्म उनके करियर में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, वहीं दूसरी तरफ ये भी डिसाइड करेगी क्या शाहरुख की बादशाहत बॉलीवुड में कायम रहेगी या फिर नहीं. ये बड़ा सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उनके एक कंपेटिटर अब उनके काफी करीब आ गए हैं और वो हैं अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान. एक ऐसे हीरो जिनका स्टारडम, फैन फॉलोइंग, पॉपुलैरिटी, ब्रांड वैल्यू अब शाहरुख के बराबर पहुंच गया है. जहां शाहरुख की ईयर 2010 की माय नेम इज खान के बाद अभी तक कोई भी फिल्म नहीं आई, वहीं इस बीच सलमान ने दबंग, रेडी और बॉडीगार्ड जैसी तीन बड़ी फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस को 400 करोड़ का कलेक्शन दे दिया है. इस साल में सलमान का स्टारडम इतना ह्यूज हो गया कि बॉलीवुड के दूसरे बड़े खान आमिर खान ने भी उनके आगे हार मान ली है. मेरे हिसाब से सलमान मेरे पीछे नहीं, सलमान मेरे आगे हैं. जिस हिसाब से उनकी फिल्म बॉडीगार्ड को ओपनिंग लगी है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने. और आज अगर मेरे हिसाब से कोई भी नंबर वन बॉक्स ऑफिस स्टार है तो वो सलमान है. और सलमान भाई ने ये प्रूव कर दिया है अपनी फिल्म से, बॉडीगार्ड से, कि वो हम सबसे आगे हैं. और तो और, अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी मानने लगी है कि सलमान के स्टारडम के आगे अब कोई नहीं टिक सकता. ही जस्ट कीप्स लुकिंग बेटर एवरी फिल्म, एवरी रोल. सलमान खान इज क्विंटेसेंशियल. ही इज वेरी प्रोफेशनल. आई थिंक ही इज अ ह्यूज ह्यूज स्टार. देयर आर अ फ्यू एक्टर्स हु मेक मी फील स्टारस्ट्रक, हु आई लूज माय टंग अराउंड देम. सलमान खान इज वन ऑफ देम. सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है कि सलमान की लेटेस्ट फिल्मों में स्क्रिप्ट के नाम पर कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ सलमान के स्टारडम की वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ताबड़तोड़ रहे और फिल्म को मिली जबरदस्त ओपनिंग. सलमान विल ऑलवेज गेट एन ओपनिंग बिकॉज हिज फैंस आर डाई हार्ड. सलमान खान इज व्हाट रजनीकांत इज. रजनीकांत की जब फिल्म निकलती है ये नहीं देखा जाता कि प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, बैनर कौन है, एक्टर कौन है, हीरोइन कौन है. हम ये देखते हैं कि रजनीकांत की फिल्में देखनी है. सिमिलरली यहाँ पे भाई की फिल्म. इस साल में सलमान का स्टारडम भी इतना बढ़ गया है कि कभी सलमान के सवाल पर जवाब ना देने वाले खुद शाहरुख खान भी कभी सलमान की फिल्मों के गाने पर डांस करते नहीं थकते तो कभी उनकी फिल्मों की तारीफ करते. शाहरुख, आपने रेडी के प्रोमो देखे, कैसी लग रही है आपको की फिल्म की? जिसे आपने कहा कमर्शियल फिल्म आप बनाते हैं और कमर्शियल फिल्म सलमान खान भी बना रहे हैं. शाहरुख सलमान की तारीफ कर रहे हैं तो आमिर सलमान के आगे अपने आप को छोटा स्टार बता रहे हैं. सलमान मेरे पीछे नहीं, सलमान मेरे आगे हैं. ऐसे में सोचना जरूरी हो गया है कि कहीं सलमान बॉलीवुड के अगले बादशाह तो नहीं. सलमान हो सकते हैं बॉलीवुड के अगले बादशाह, लेकिन सलमान से भी बड़ा एक और खान है जिसे खुद सलमान भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नंबर वन हीरो मानते हैं. कौन है वो? लेट्स इन्वेस्टिगेट. वो 44 साल की उम्र में 22 साल का कॉलेज बॉय बन सकते हैं. वो सिर्फ 4 दिनों में अपनी फिल्म से 420 करोड़ रुपए कमा सकते हैं. इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले उस सुपरस्टार को आप थ्री इडियट्स के फुनशुक वांगडू या फिर गजनी के संजय सिंघानिया के रूप में देख चुके हैं. आप उन्हें बुलाएं लगान का भुवन या पुकारें राजा हिंदुस्तानी.
वो एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ अच्छी फिल्में ही नहीं बल्कि फिल्मों को कैसे बेचा जाए इस बात की भी नॉलेज दी। शायद इसीलिए फैंस के बीच सबसे पॉपुलर स्टार सलमान खान भी उन्हें अपने से बड़ा स्टार मानते हैं। सबसे फ्रंट पर हैं आमिर, सबसे फ्रंट पर हैं आमिर। जहां सलमान खान आमिर को सबसे बड़ा स्टार मानते हैं तो वहीं बॉलीवुड भी उनके परफेक्शन को देखकर हैरान है। I'm crazy about आमिर. I've been a huge आमिर fan since I've been like in school. आमिर खान की डेडिकेशन अलग है, आमिर खान का काम करने का तरीका अलग है। He only tackled one film at a time, never signed on more than one film to do justice to it, and got involved in the business of not only acting in the film but also in producing them, and also in editing them, and also giving them the look and marketing them. And Aamir, of course, is my most favorite. I love Aamir, and for the kind of films he does. आमिर खान कभी बॉलीवुड के अकॉर्डिंग नहीं चलते बल्कि उन्होंने बॉलीवुड को अपने अकॉर्डिंग चलाया। रोज 100 से भी ज्यादा ऑफर्स मिलने पर आमिर ने साल में सिर्फ एक ही फिल्म करने का ट्रेंड बनाया। इतना ही नहीं, सिर्फ आमिर ही वो स्टार हैं जिन्होंने थ्री इडियट्स, तारे जमीन पर जैसे फिल्मों में सोशल मैसेजेस को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाकर ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके ये भी प्रूव किया कि अगर फिल्म की स्क्रिप्ट में दम है तो फिल्म को देखने ऑडियंस जरूर आती है। I have to believe in what I'm doing. I have to enjoy what I'm doing. And that's what I back. So I don't go with what the market requires or what the market believes in. I go with what I believe in and what appeals to me. And then I try and make the best of it. इसके साथ साथ आमिर को मार्केटिंग गुरु भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। थ्री इडियट्स के लिए गली गली शहर शहर भेज बदल कर जिस तरह आमिर ने फिल्म को प्रमोट किया उसे देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि आमिर ने बॉलीवुड को सिखाया कि फिल्म को कैसे बेचा जाता है। आमिर खान ने हमें एक चीज तो सिखा दी है कि प्रमोशन और पैशन पैसे से नहीं खरीदे जाते। 1984 में फिल्म होली से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाले आमिर खान हर फिल्म में अपने परफेक्शन की वजह से अब 2011 में एक ऐसे ब्रांड बन गए हैं कि चाहे कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म बनाए अगर आमिर उस फिल्म से जुड़ जाते हैं तो फिल्म से श्योर शॉट जुड़ जाती है सक्सेस और फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स के बाहर उमड़ पड़ती है भीड़। अब ऐसे में आमिर को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। ये तो थी सलमान शाहरुख और आमिर की बात, लेकिन इन तीनों स्टार से भी बड़ा बॉलीवुड में एक और स्टार है। उनका खुलासा हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट डिबेट शो बॉलीवुड बिग स्टोरी। सलमान शाहरुख और आमिर तो नंबर वन की रेस में हैं, लेकिन इनके अलावा भी बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार्स ऐसे हैं जो रेस में तो नहीं हैं, बट स्टिल दे आर नंबर वन। कौन है वो? सलमान, शाहरुख, आमिर, ये तो बॉलीवुड के वो बड़े खान्स हैं जो नंबर वन की रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन इनके अलावा भी बॉलीवुड में कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें बॉलीवुड की नंबर गेम में जनरली शामिल नहीं किया जाता, लेकिन बॉलीवुड में उनका रुतबा भी किसी नंबर वन स्टार से कम नहीं। अब उनमें सबसे पहला नाम आता है इनका। सिंपली शाय विल इनोसेंट स्माइल अजय देवगन मीडिया से दूर दूर रहते हैं लेकिन सक्सेस के बहुत करीब। 1991 में फूल और कांटे से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अजय देवगन ने रिसेंटली जैसे बैक टू बैक हिट फिल्में दी हैं, उससे तो इतना साफ हो गया कि अजय देवगन भले ही खान्स की तरह बॉलीवुड के बादशाह की रेस में नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी बॉलीवुड में एक अलग पोजीशन तैयार जरूर कर ली है। And I want to carry on with my life the way I wanted to carry on. So I don't want to make a lot of changes in my life to achieve, you know, lots more and in a shorter time. अजय देवगन के बाद हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे स्टार से जिन्हें शायद अब नंबर गेम में शामिल होने की जरूरत ही नहीं है, because he is the star of the millennium. अमिताभ बच्चन, which means the light that would never go off. 1969 में सात हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने 42 इयर्स के करियर में 181 से भी ज्यादा फिल्में कर ली हैं और आज भी उनके स्टारडम को दुनिया सलाम करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि अब और क्या होगा, अब क्या मिलेगा, लेकिन ये जनता का स्नेह है।
अब ऐसे में अमिताभ को नंबर वन की रेस में रखना गलत होगा, क्योंकि ये वो स्टार हैं जो जहां पर खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। और अब मिलिए एक ऐसे स्टार से जिनका एट प्रेजेंट बॉलीवुड में करियर कुछ खास नहीं है, लेकिन उनकी अभी भी बॉलीवुड में तगड़ी फैन फॉलोइंग है और बड़े फिल्म मेकर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं। 1990 में फिल्म सौगंध से हिंदी सिनेमा जगत में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अक्षय कुमार ने 100 से भी ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। पहले एक्शन हीरो, फिर रोमांटिक स्टार और फिर कॉमेडी किंग बनकर अक्षय ने बॉलीवुड में बदलते वक्त के साथ साथ अपनी इमेज, स्टाइल और एक्टिंग को भी बदला। एक्टिंग किसको आती थी? ये जो आहिस्ते-आहिस्ते जो कुछ भी है इसके दौरान से आहिस्ते-आहिस्ते सीखा है, तो जितना कुछ भी है सब एक्सपीरियंस से सीखा है। 2007 में बैक टू बैक 4 कमर्शियल हिट फिल्में देने के बाद अक्षय को बैक टू बैक फ्लॉप्स भी फेस करनी पड़ी और अब अपने आप को प्रूव करने के लिए अक्षय एक बड़ी हिट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अक्षय को लीड हीरोज की लिस्ट से दूर नहीं रखा जा सकता। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है, बॉलीवुड के बादशाह भले ही खान्स हों, लेकिन इन स्टार्स की भी बादशाहत कुछ कम नहीं। ये तो थी इस जनरेशन की सुपरस्टार्स की बात, लेकिन सलमान, शाहरुख, आमिर भी मानते हैं कि बॉलीवुड की नेक्स्ट जनरेशन में भी दो बड़े ऐसे स्टार्स हैं जिनमें है बादशाह बनने की पूरी काबिलियत। कौन है वो? Let's find out. Triad as they're called have been ruling the roost for the last 15-20 years. It's not recent. And they built themselves a very solid foundation because each one of them is extremely different from each other. इस जनरेशन को भले ही खान्स रूल कर रहे हों, लेकिन तीनों खान्स की बादशाहत को दमदार कंपटीशन देने के लिए आप नेक्स्ट जनरेशन भी कमर कसकर तैयार है। और नेक्स्ट जनरेशन के जो दो बड़े स्टार्स अब सुपरस्टार बनने का दम रखते हैं, आप उन पर जरा एक नजर डाल ही लीजिए। इन दोनों स्टार्स में सुपरस्टार बनने की पावर, एटीट्यूड और पर्सोना है। ये बात खुद बॉलीवुड के तीनों बड़े खान्स भी मानते हैं। They'll be fantastic. I think they're really good. I saw them at the rehearsal. They're fresh, young, and really cool. For Amir, me, and Shahrukh, I think these are the only two guys who could take it to a different level altogether. Imran's the one I love, and I think Ranbir is a better actor. They're both very, very successful and both very popular, which is great. इतना ही नहीं, फुल इंडस्ट्री भी मानती है कि नेक्स्ट जेन के ये दोनों स्टार्स बन सकते हैं सुपरस्टार्स। आई एम श्योर दे बोथ वेरी 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 टैलेंटेड एंड आई एम श्योर बोथ ऑफ देम हैव देयर प्लेट्स फुल। दे आर वेरी वेरी गुड एंड दे आर द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री एंड आई एम श्योर दे गोना डू वेरी वेल। आने वाला सुपरस्टार अगर आज अगर नजर कोई आता है वो रणबीर कपूर आता है। और अगर बॉक्स ऑफिस चार्ट पर नजर दौड़ाएं तो नेक्स्ट जनरेशन के इन दोनों स्टार्स ने इस बात को प्रूव भी कर दिया है कि वो भी रखते हैं बॉलीवुड के बादशाह बनने की काबिलियत। इसके अलावा ब्रांड से लेकर पॉपुलैरिटी तक, फैन फॉलोइंग से लेकर पर्सनालिटी तक, एटीट्यूड, विजिबिलिटी, गुड लुक्स, दोनों स्टार्स में वो सब क्वालिटीज हैं जो एक सुपरस्टार में होनी चाहिए। अब ऐसे में इंतजार तो सिर्फ इनकी आने वाली फिल्मों का है, क्योंकि अगर ये फिल्में भी हिट हो जाती हैं, तो हमारी इस बात पर मोहर लग जाएगी कि बॉलीवुड के तीनों खान्स के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बादशाहत रणबीर और इमरान के हाथों में होगी। बॉलीवुड बिग स्टोरी में एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम जाएंगे ऑडियंस के बीच और जानेंगे आखिर जनता किसे मानती है अपना बादशाह। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। चलिए अब जनता से जानते हैं कि कौन है उनके लिए बॉलीवुड का असली बादशाह। I think it's Salman Khan. Salman Khan is the real badshah of Bollywood. Salman Khan, because I like him. I think Amir Khan is the most suitable for the name of badshah. Salman Khan is real badshah. क्योंकि वो जो भी करता है सब लोग उस पर फिदा हो जाते हैं। बादशाह तो है शाहरुख खान, बट मेरे लिए सलमान खान। उसका बॉडी सलमान खान। Well, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही, बट टू बी अ पार्ट ऑफ द हॉटेस्ट एंड द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट्स ऑन द बॉलीवुड बिग स्टोरी, लॉग ऑन टू www.facebook.com/zoomtv.in। अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे विद येट अनदर बर्निंग डिबेट इन बी टाउन। टिल देन, कीप वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर वन बॉलीवुड चैनल।